राम राम दोस्तों, जय बाबा निमकरौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा निमकरौली जी की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा निमकरौली जी से, सभी देव देवताओं से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 43वां सर्ग, महारानी कौशल्या का विलाप। जब श्री राम जी वन को चले गए तो उस समय का ये वर्णन है। राजा दशरथ तो विलाप करते हुए बेसुध हो जाते हैं और महारानी कौशल्या भी फिर विलाप करती हैं। सैया पर पड़े हुए राजा को पुत्र शोक से व्याकुल देख, पुत्र के ही शोक से पीड़ित हुई कौशल्या ने उन महाराज से कहा, नरश्रेष्ठ, श्री राम पर अपना विष उड़ेल कर टेढ़ी चाल से चलने वाले के कई केंचुली छोड़कर नूतन शरीर से प्रकट हुई है। सर्पणी की भांति अब स्वच्छंद विचरेगी, जैसे घर में रहने वाला दुष्ट सर्प बार बार भय देता रहता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास देकर सफल मनोरथ हुई शुभगा की कई सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी। यदि श्री राम इस नगर में भीख मांगते हुए भी घर में रहते, अथवा मेरे पुत्र को केकई का दास भी बना दिया गया होता, तो वैसा वरदान मुझे अभीष्ट होता, क्योंकि उस दशा में मुझे भी श्री राम के दर्शन होता रहता। श्री राम के वनवास का वरदान तो केकई ने मुझे दुख देने के लिए ही मांगा है। केकई ने अपनी इच्छा के अनुसार श्री राम को स्थान से भ्रष्ट करके वैसा ही किया है, जैसे किसी अग्निहोत्री ने पर्व के दिन देवताओं को उनके भाग से रहित कर दिया हो, वंचित कर दिया हो, राक्षसों को वहाँ भाग अर्पित कर दिया हो। गजराज के समान मंद गति से चलने वाले और महाबाहू धनुर्धर श्री राम निश्चय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रवेश कर गए होंगे। महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखे, उन श्री राम लक्ष्मण और सीता को आपने केकई की बातों में आकर वन में भेज दिया। अब उन बेचारों की वनवास के कष्ट भोगने के सिवा और क्या अवस्था होगी। रतन तुल्य उत्तम वस्तुओं से वंचित वे तीनों तरुण सुखरूप फल भोगने के समय घर से निकाल दिए गए। अब वे बेचारे फल मूल का भोजन करके कैसे रह सकेंगे? क्या अब फिर मेरे शोक को नष्ट करने वाला वह शुभ समय आएगा जब मैं सीता और लक्ष्मण के साथ वन से लौटे हुए श्री राम को देखूंगी? कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जबकि वीर श्री राम और लक्ष्मण वन से लौट आए? यह सुनते ही यशस्विनी अयोध्यापुरी के सब लोग हर्ष से उल्लासित हो उठेंगे और घर घर फहराएंगे ऊंचे ऊंचे ध्वज, समरू पुरी की शोभा बढ़ाने लगेंगे। नरश्रेष्ठ, श्री राम और लक्ष्मण को पुनः वन से आया हुआ देखकर यह अयोध्यापुरी पूर्णिमा के उमड़ते हुए समुद्र की भांति कब हर्षोल्लास परिपूर्ण होगी। जैसे सांड गाय को आगे करके चलता है, उसी प्रकार वीर महाबाहू श्री राम रथ पर सीता को आगे करके कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करेंगे? कब यहाँ के सैकड़ों मनुष्य पुरी में प्रवेश करते हुए और राजमार्ग पर
चलते हुए मेरे दोनों शत्रु दमन पुत्रों को लावा खोल की वर्षा करेंगे, लावा यानी खील की वर्षा करेंगे। उत्तम आयुध एवं खड़ग लिए शिखर युक्त पर्वतों के समान प्रतीत होने वाले श्री राम और लक्ष्मण सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो कब अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हुए मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट होंगे, कब ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की कन्याएं हर्षपूर्वक फूल और फल अर्पण करती हुई अयोध्यापुरी की परिक्रमा करेंगी, कब ज्ञान में बड़े बड़े और अवस्था में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। वीर, इसमें हमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझे नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्दत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। पुरुष सिंह जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गो को बल पूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार केकई ने मुझे बलात् अपने बेटे से अलग कर दिया है, जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है। उन अपने पुत्र श्री राम के बिना मैं इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझे जीवित रहने की कोई भी इच्छा शक्ति नहीं बची है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिकतम तापमान देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाने को अद्दत हो रही है इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीलकंठ महाराज, जय सीता मैया, जय हो गाय माता की, प्रभु मेरे राम। दोस्तों आज ये 43वां सर्ग पूरा हुआ। कल आपको मैं इसका 44वां सर्ग सुनाऊंगा, सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, कल फिर आपसे मिलूँगा और अन्य कोई धार्मिक प्रोग्राम होगा कार्यक्रम उसको आपको वर्णन करूँगा। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा ने करो।